इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत की मांग, ठेका कामगारों को परमानेंट करो, आरोग्य कर्मियों को दो समुचित वेतन और भत्ता। इंटक के नवीनबाई जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से आज मुलाकात की और कामगारों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए समाधान की अपील की। कांग्रेस नेता ने ठेका कामगारों को परमानेंट करने की मांग करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मनपा की स्थापना के दौर से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आज भी समान काम के बावजूद समान वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उन्होंने उच्च शिक्षित आरोग्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी समुचित वेतन देने की मांग दोहराई। क्लार्क पासून शिपाया पासून ते इंजिनियर पर्यंत ठोक मानदंडावर काम करणारे त्यांना सर्वांना आपण आपल्या ह्या पालिकेमध्ये सामावून घेण्यासाठी आपण विशेष प्रस्ताव बनवून हा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवा आणि विधिमंडळाचं हे धोरण आहे। आमचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले साहेब आहेत, या पूर्ण या कामगारांच्या पूर्ण मागे उभे आहेत। हा काँग्रेस पक्ष आणि इंटकच्या माध्यमातून आम्ही ह्या ठोक मानधनाला वर काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना आम्ही न्याय देणार आहोत आणि आयुक्तांनी तसं पूर्णपणे 100% असं मान्य केलेलं आहे की आपण हा प्रस्ताव या येत्या आठवड्यात हा प्रस्ताव करू आणि हा प्रस्ताव आपण महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवू की जेणेकरून यांना न्याय मिळेल। आणि ज्यावेळेला हे आयुक्त प्रशासनाचा प्रस्ताव त्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा प्रस्ताव पाठवतील त्यावेळेला आम्ही विजय झालो असणार, कारण की आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडून आम्ही हा ठराव पास करून 100% पास करून घेणार आहे। बता दें कि इंटक जिलाध्यक्ष कामगारों की समस्याओं को लेकर लगातार मनपा आयुक्त से मुलाकात कर रहे हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हुए उसके समाधान की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मनपा आयुक्त सकारात्मक हैं और कामगारों को न्याय जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।